मेरी मदर है मिसेज गीता देवी शर्मा, मेरे फादर है कैलाश संजय शर्मा, मैं पवन गौतम इनका बेटा हूँ। मेरी मदर को जॉइंट पेन था, बहुत दिनों से परेशान थी, 3-4 साल से परेशान थी। हम टोंक देवली से बिलोंग करते हैं, देवली के पास में गांव है एक नासिरदा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो लोकल अपने स्तर पे दिखाते रहे, बीच में यहाँ भी दिखाते रहे, हमने ESCC भी दिखाया और CK बिरला हॉस्पिटल में भी दिखाया। सबने सलाह तो यही दी थी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लो, लेकिन मदर की इच्छा नहीं थी। थोड़ा वेट भी, किसी ने कहा कि वेट ज़्यादा है, अभी नहीं करवाना, बाद में प्रॉब्लम होगी। सलाह देने वाले तो बहुत सारे रहते हैं इस दुनिया में, कई बोले कि यार क्या पता सक्सेस हो नहीं हो, तो उसी हिसाब से थोड़ा हम भी पीछे हटते रहे। मदर की भी इच्छा थी भी पहले देख लेते हैं, एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो ठीक है, पर कोई रिलीफ मिला नहीं। इसकी परेशानी देख के हम भी परेशान थे, हमने सोचा भाई कराना तो ऐसे ही। मेरा छोटा भाई इंडियन बैंक में सीनियर बैंक मैनेजर है, आपके हॉस्पिटल के पास ही में है, और हॉस्पिटल के जो आपके ओनर हैं डॉक्टर प्रदीप जी जैन, वो उनके क्लाइंट भी हैं। छोटे भाई से वो अच्छी तरह से परिचित थे, तो एक बार ऐसे ही बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप मदर को यहाँ लाओ ना यार, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फिर वो मदर अभी होली पे हम सब यहीं थे, मदर को लाए यहाँ पे, देखा उन्होंने तो यार वास्तव में जरूरत है, उन्होंने बताया कि नीड है, रिप्लेसमेंट करवा लो। अभी होली गई है, 2-3 दिन ही हुई है, हम तैयार हो गए। उसके बाद यहाँ सर को दिखा दिया, सर ने जांच वगैरह की तो ठीक है, एडमिट कर लिया, ऑपरेट भी कर दिया। और ऑपरेशन के बाद अब मदर पहले से तो ठीक, हालांकि अभी दूसरा दिन है होने में, तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिन तीसरा है, फिर भी धीरे धीरे रिकवरी है, लगता है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। स्टाफ भी बहुत अच्छा है हॉस्पिटल भी, हमें यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट है, साफ सुथरा है, यही चाहिए हमको। तो पेशेंट और अटेंडर को क्या चाहिए, ये सब सुविधाएं चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे बड़ी खासियत तो इस हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है वो इतने अच्छे हैं कि हमें तो ये भी बोलने का ज़रूरत नहीं है कि आपको ड्रिप लगाना है, आपको क्या करना है, ड्रिप देखनी है। वो अपने आप हर 5 से 10 मिनट में यहाँ आते हैं, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फर्स्ट नाइट तो वास्तव में मैं तारीफ कर रहा था, उनको धन्यवाद दिया मैंने सुबह मॉर्निंग मेडिकल स्टाफ को कि यार सुरेश जी जो बहुत अच्छे, उन्होंने हर 10 मिनट में, सभी स्टाफ अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर विशेष तौर से उन्होंने हर 5 से 10 मिनट में हमको संभाला यहाँ पे आके। और आज तीसरा दिन है, बाकी पूरा स्टाफ सब अच्छा है, सब कोऑपरेटिव नेचर के हैं, सबने अपने जैसे फैमिलियर एटमॉस्फेयर रहता है वैसा एटमॉस्फेयर है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ से हम बेटर एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। पहली बार को दर्द छो और हॉस्पिटल आने भी दिखाया मैं, लेकिन कहीं ट्रीटमेंट बैठो को नहीं। फिर बैठो थे बैंक में काम करे थे मारो, तो वो खियो भाई मम्मी तू जयपुर चाले एक बार और दिखा, तू लापरवाही मत कर, रहे बेटा दोनों तीन मारा बहुत अच्छा थे, सब बात सुन सक्षम छ, दिखा बा में करबा में सेवा में। तो वो मैंने अथे लिया और एक दिन सारा ही परिवार अठे आ गया मैं और आ दिखा दिया, एक्सरा जांचा करा दिए, डक्षी हॉस्पिटल जियो गिन्नी देवी उस उम्र दिखा दिया और ट्रीटमेंट चला दिया और ऑपरेशन हो गया और बढ़िया सक्सेस जो ऑपरेशन हो गया मारो और अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार ही हो सी है ना, बड़ा कहीं कमी को नहीं, स्टाफ कम माइनर हॉस्पिटल मन सब डॉक्टर लोग हम सब बहुत अच्छा थे, मन कहीं बात की परेशानी को नहीं, तिल भरी भी मिनट में संभाले से और मिनट में मन देखे सर माँ के कसरत है वगैरह सब कुछ टाइम शू करे थे, चालो थोड़ा चालवा भी लागी के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, कल मॉर्निंग से ही चला तो ये चलावा भी ला गया, चलावा भी ला गया, ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस गाँव से बिलोंग करते हैं वहाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, मम्मी को यहाँ लाने के बाद उसी दिन से ही फोन आ रहे हैं कि हम भी आ जाएं, कि भाई पहले एक बार आपकी संतुष्टि के लिए हमको वहाँ आ जाने दो, आप जब इनको देख लेंगे कि वास्तव में पहले किस हालत में थी, अब किस हालत में है, सुधार है या नहीं है, उससे हम तो संतुष्ट ही सही, पर वो एक बार देखेंगे ना, क्योंकि अपने मनुष्य की प्रवृत्ति है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जब प्रत्यक्ष रूप में इसको देख लेंगे ना तो वास्तव में सोचेंगे कि यार पहले मम्मी जी कैसे थे, पूरा गाँव मम्मी जी कहता है इनको, और आज स्थिति कैसी है, तो हम भी चले। तो स्वाभाविक है, शायद मेरे को ऐसे लगता है शायद वहाँ से 20-25 पेशेंट तो आने ही है यहाँ पे गिन्नी देवी हॉस्पिटल में, डॉक्टर प्रतुल जी जैन जो प्रदीप जी जैन के बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी वही सर्जरी करते हैं, और जो भी पेशेंट है जो भी चाहे वो यहाँ आए, हम सेटिस्फाई हैं, आप भी सेटिस्फाई होके जाएं।